हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसिक आइडियाज बाय ज्योति में। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल मशरूम विद न्यूट्रिला। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये है न्यूट्रिला, इसको मैंने पानी में भिगो दिया है एक घंटे के लिए लगभग। और ये है मशरूम, इसको हम धो के साफ कर लेंगे। ये देखिए, एक पैकेट मशरूम है ये। और ये है लगभग 4 प्याज, 3 टमाटर, और हम इसको पीस लेंगे टमाटर प्याज को। ये न्यूट्रिला लगभग 10 से 12 हैं, इनको मैंने पाउडर बना लिया है, सूखी वाली है ये। अब इसमें मैंने 2 चम्मच तेल दिया है, इसको गरम कर लिया है हमने तेल को। अब हम इसमें मशरूम जो मैंने साफ करके रखा है और न्यूट्रिला को भी भिगो के साफ कर लिया है, 2 पीस में काट लिया है, उसको हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। इसमें आप चाहें तो ज़्यादा तेल में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े तेल में धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनूंगी। ज़्यादा तेल में अगर आप भूनते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम तेल में भूनेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन तेल कम लगेगा। ये देखिए, ये न्यूट्रिला गुलाबी गुलाबी होने लगी है, मशरूम भी भून गया है हमारा और ये तैयार है। अब हम एक कुकर लेंगे जिसमें हम 2 चमचे तेल डालेंगे। हमने इसमें डाला जीरा और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने कद्दूकस कर लिया उसको, अदरक को और लहसुन को महीन महीन काट लिया। लगभग 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। अब हमने वो जो प्याज पीस ली है उसको डालेंगे। ग्रेवी बनानी है तो इसकी प्याज टमाटर वगैरह हम पीस के डालेंगे। अब हम इसको इसका कच्चापन निकलने तक इसको अकेले भूनेंगे। अब इसमें हमने टमाटर जो 3 लिए थे ना उनको पीस लिए हैं, अब वो हम इसमें डाल के भूनेंगे। ये देखिए, धीमी धीमी आंच पे ये भून गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। ये मैंने डाली हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मेथी डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च कश्मीरी वाली। ये हमने कसूरी मेथी डाली है इसमें, ये जरूर डालिएगा कसूरी मेथी, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आजकल तो मेथी वैसे भी जाड़ों में आ रही है, आप ताजी मेथी को भी थोड़ा सा अगर काट के भी डाल देंगे तो भी अच्छा होगा, अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो। ये है खड़ा मसाला, गरम मसाला, आप खड़ा हो तो उसे कूट के डालिए, मेरे पास पिसा हुआ है तो मैंने पिसा हुआ डाला है। 1/2 चम्मच गरम मसाला और ये नमक स्वाद के अनुसार। अब इस मसाले को हम धीमी धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनते रहेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें तेल डाला है जब तक वो तेल मसाला छोड़ने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे। ये है 1 चम्मच विनेगर, विनेगर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालिए। और ये है सोया सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस। ये देखिए, अब मसाला भुनना शुरू हो गया है आपका। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या कोई और रेसिपी की जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसको डालने की पूरी कोशिश करूँगी। ये हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी डाल के हम मसाले को अपने को भूनते रहेंगे ताकि वो अच्छे से इसे तेल जल्दी छोड़ दे। देखिए, तेल छोड़ना शुरू कर दिया, तो हमने वो जो भून के रखे थे ना न्यूट्रिला और मशरूम, उसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमने ये सारे इसमें डाल दिए और उसका जो थोड़ा बहुत तेल भी है कढ़ाई में वो भी हम इसी में डाल देंगे। अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसके मसाले के साथ हम इसको भूनेंगे अच्छे से। लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो हमने जो न्यूट्रिला का पाउडर बना के रखा था ना
वो अब हम इसमें डाल रहे हैं। वो इसकी ग्रेवी बनाने में ना इसकी ग्रेवी को एक तो गाढ़ा करेगा और इसे बहुत ज्यादा रिची लुक देगा। ये देखिए अभी तो आपको ये बहुत ज्यादा ड्राई लगने लगा होगा और आप इसको जब एक सीटी लगा देंगे ना इसमें, उसके बाद आप इसको देखेंगे ना तो एकदम बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनेगी इसकी। ये हम एक चम्मच घी डाल रहे हैं, आपकी इच्छा है तो डालिए और नहीं इच्छा है तो मत डालिए। ये मैंने एक चम्मच देसी घी डाल दिया इसमें और देखिएगा ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसमें। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं इसमें। और ये जो पानी है टमाटर का जार का पानी है वो मैंने इसमें डाल दिया, लगभग 2 कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी होने लगी है। अब हम एक सीटी लगा देंगे इसके कुकर की और बंद कर देंगे। ये एक सीटी लग गई है, अब मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और जितना हमने तेल डाला था वो सारा का सारा ऊपर आ गया है। आपको चाहिए तो उतार लीजिए। देखिए होटल स्टाइल मशरूम विद न्यूट्रिला तैयार है, आप टेस्ट कीजिए, बनाइए और खाइए। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल होटल का टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा टेस्ट इसका। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।